स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने किया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, दैट इज फर्स्ट थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म। नेक्स्ट फिर हमने किया सेकेंड थ्योरम ऑन आइसोमॉर्फिज्म फर्स्ट थ्योरम को यूज करके। अब हम नेक्स्ट करेंगे थर्ड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट, इफ एच एंड के आर टू नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ ग्रुप जी such that H is properly contained in, H is contained in K, then prove that G upon K, this is quotient group, is isomorphic to G upon H divided by K upon H. This is a quotient group, this is a quotient group. First of all, we will prove they all are defined. ठीक है? So, ये defined क्यों है? लिखो proof. Since H and K are normal subgroups of G, subgroups of G, and since H is contained in K, therefore, आपके पास H is also normal subgroup of K, so this implies G upon H, क्योंकि H जो है वो normal subgroup है K upon H, ठीक है? K sorry G upon H, G upon K because K is normal subgroup of G and K upon H because H is normal subgroup of K also are all defined. So they all are defined, ठीक है? नेक्स्ट वी विल प्रूव दैट, अब ये आपके पास, सॉरी मैंने पहले डिवाइड बोला था, ये G अपॉन H एक ग्रुप है और ये K अपॉन H एक ग्रुप है, दिस इज अ क्वोशेंट ग्रुप। सो हमने अब ये प्रूव करना है कि K अपॉन H जो है वो G अपॉन H में नॉर्मल है, ठीक है? सो K अपॉन H इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी अपॉन एच। ये हमें क्यों करने की जरूरत पड़ गई? क्योंकि अगर हम ये प्रूव करते हैं कि ए अपॉन एच इज नॉर्मल इन जी अपॉन एच, तभी ये डिफाइन होगा दोनों, ठीक है? सो वी हैव टू प्रूव के अपॉन एच इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी बाय एच। सो नॉर्मल के लिए वही डेफिनेशन, लेट अस टेक सम एलिमेंट हेयर, लेट एच के बिलोंग्स टू के बाय एच एंड इसका कोई एलिमेंट ले लो, एच ए बिलोंग्स टू जी अपॉन एच, फॉर ए बिलोंग्स टू जी एंड के बिलोंग्स टू कैपिटल के, ठीक है? टू प्रूव हमने क्या प्रूव करना है, एच ए इंटू एच के, एच ए होल इनवर्स टू प्रूव दिस बिलोंग्स टू के बाय एच। अगर हम ये प्रूव कर दें तो आपका के बाय एच क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा फॉर ऑल एच ए बिलोंग्स टू जी बाय एच। सो लेट अस कैलकुलेट दिस, सो एच ए एच के एच ए होल इनवर्स, दिस कैन बी रिटन एज एच ए एच के एच ए इनवर्स। अगेन केस, अगेन एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ के, तो आपके पास लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू राइट कोसेट। सो हम पहले इसको ले लेते हैं, के एच इज इक्वल टू एच के, सो एच ए इंटू एच इंटू एच के ए इनवर्स, हमने के एच को लिखा एच के, ठीक है? उसके बाद एच इंटू एच अगेन एच, सो दिस इज इक्वल टू एच ए एच के ए इनवर्स, अगेन एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी ऑल्सो, सो ए एच इज इक्वल टू एच ए, सो इट इज एच एच ए के ए इनवर्स, एच इज अगेन एच ए के एच इनवर्स, क्लियर? अब स्टूडेंट्स, ए इज
ऑफ जी, के इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल के, एंड कैपिटल के इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। अगर आपके पास के कैपिटल के से है, ए जी से है, एंड दिस ग्रुप सब ग्रुप इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, देन ए के ए इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू के। सो वही हम यहां पे यूज कर लेते हैं। सो लेट अस से ए के ए इनवर्स इज इक्वल टू सम के वन, वेर के वन बिलोंग्स टू कैपिटल के। सो दिस इज इक्वल टू एच इंटू के वन। सो एच इंटू के वन टाइप किसका एलिमेंट है? के बाय एच का। सो दिस बिलोंग्स टू के अपॉन एच। ठीक है, सो हमने ये प्रूव कर दिया कि आपके पास एच ए, एच के, एच ए इनवर्स बिलोंग्स टू के बाय एच, फॉर ऑल एच ए बिलोंग्स टू जी बाय एच। दिस इंप्लाइज के बाय एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी बाय एच। देयरफॉर जी बाय एच अपॉन के बाय एच इज ऑल्सो वेल डिफाइंड। ठीक है, अब नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे आइसोमॉर्फिज्म। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म यहां पे भी यूज करेंगे। व्हाट वाज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म? एफ इज ऑन टू मैप फ्रॉम जी टू जी डैश, विच इज होमोमॉर्फिज्म ऑल्सो। सो बाय फंडामेंटल थ्योरम, जी अपॉन कर्नल ऑफ एफ इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। अगर हम एफ को ऑन टू होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर दे, तो आपके पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म से, होमोमॉर्फिज्म से जी अपॉन कर्नल ऑफ एफ आइसोमॉर्फिक हो जाता है जी डैश के। ठीक है, सो वही हम यहां पे यूज करेंगे। वी विल डिफाइन अ मैपिंग एफ फ्रॉम जी बाय एच टू जी बाय के, क्लियर। और हम ये दिखाएंगे दिस मैप इज ऑन टू एंड होमोमॉर्फिक। अगर ये मैप ऑन टू और होमोमॉर्फिक हो गया, तो आपके पास जी अपॉन बाय फंडामेंटल थ्योरम जी एच, जी बाय एच अपॉन कर्नल ऑफ एफ आइसोमॉर्फिक हो जाएगा जी बाय के। बट हमें क्या प्रूव करना है? जी बाय एच अपॉन के बाय एच इज आइसोमॉर्फिक टू जी बाय के। सो कर्नल ऑफ एफ एग्जैक्टली किसके इक्वल शो करेंगे? के बाय एच के। सो इस थ्योरम को हम अब दो पार्ट्स में प्रूव करेंगे। पहले वी विल डिफाइन अ मैप जिसको हम प्रूव करेंगे ऑनटू होमोमॉर्फिज्म। जब ये ऑनटू होमोमॉर्फिज्म प्रूव हो जाएगा, देन डायरेक्टली बाय यूजिंग फर्स्ट थ्योरम ऑन आइसोमॉर्फिज्म, और यू कैन से फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म, जी अपॉन एच अपॉन कर्नल ऑफ एफ इज आइसोमॉर्फिक टू जी बाय के, एंड देन वी विल प्रूव कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू के बाय एच। सो लेट अस कंसीडर अ मैप F from G by H to G by K, such that F of इसका कोई एलिमेंट एच ए टाइप का मैप होगा के ए पे, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, क्लियर। सो वी विल फर्स्ट प्रूव दिस मैप इज वेल डिफाइंड। सो लेट ए वन कॉमा ए टू बिलोंग्स टू जी, सच दैट H of A1 is equal to H of A2, and we will prove F of HA is equal to F of HA2. F of A, H A1 is equal to F of HA2. So this is H A1 A2 inverse is equal to H A2 A2 inverse. So this implies H A1 A2 inverse is equal to H. Now you will get ए वन ए टू इनवर्स बिलोंग्स टू एच। अगर आपके पास एच ऑफ सम एलिमेंट इज इक्वल टू एच, इसका मतलब ये वाला जो एलिमेंट है ये एग्जैक्टली कहां से होगा? एच से होगा। सो आपके पास ए ए वन टू इनवर्स बिलोंग्स टू एच, बट एच किस में कंटेन्ड है? के में। सो ये एलिमेंट कहां चला जाएगा? के में। ठीक है, सो इसको हम अब लिख सकते हैं के ए वन इनवर्स इज इक्वल टू के, जैसे हमने वहां एच में लिखा था, और इसको ऐसे लिख लिया, अब इसको ऑपोजिट लिख लिया। अब मल्टीप्लाई विद ए टू, पोस्ट मल्टीप्लाई विद ए टू, सो ए टू इनवर्स इनटू ए टू इज आइडेंटिटी, सो इट इज के टाइम्स ए टू। व्हाट इज के ए वन? एफ ऑफ एच ए वन, एच ए वन। व्हाट इज के ए टू? एफ ऑफ एच ए टू। सो दिस इंप्लाइज एफ इज वेल डिफाइंड।
So f is well defined. Next we will prove f is homomorphism. So f is homomorphism. To prove f is homomorphism, To prove f is homomorphism, let a1, a2 belongs to G. अगर a1, a2 G में है, this implies a1 into a2 भी कहाँ पे होगा? G में, because of closure property. So we have to prove for homomorphism, f of h a1, h a2 is equal to f of h a1 into f of h a2. So let us calculate this. F of h a1, h a2 is equal to, since h is normal subgroup of g, तो आप a1h को क्या लिख सकते हो? h a1. So this is equal to f h a1 a2. Again h into h is h, so f of h a1 a2. Clear? अब आपका f जो है a1 a2 is element of g, ठीक है? So h a को map कर रहा है k a पे, where a is element of g. So h a1 a2 को कहाँ map करेगा? K of a1 a2. So this is equal to k of a1 a2. Again this can be written as k into k a1 a2. अब k into a क्यों लिखा इसको? Because k is normal subgroup of g, तो k a1 को हम लिख सकते हैं a1k. So this is again written as k a1k into k2. So k a1 or k a2, what is k a1? It is f of h a1. So this is f h a1 and this is f h a2. So this implies f is homomorphism. Now f is onto. So f is onto ke liye, let us take some element here and we have to find an element here, at least one element here. So let k a belongs to g by k, where a belongs to g. अगर a g में आ गया तो h a किसका element हो जाएगा? And h a belongs to g by h. तो अगर हमें a मिल गया g में, तो h a को set बना लेंगे हम. कहाँ का? G by h का element आ गया. So therefore there for every, so for every, for every k a belongs to g by k, there exist h a belongs to h by g by h, such that f of h a is equal to k a for all a belongs to g. So this implies f is onto. Clear? So f onto ho gaya, f homomorphism ho gaya. So by fundamental theorem on homomorphism, homomorphism, we have G H upon kernel of F is isomorphic to G by K. और हमने क्या प्रूव करना है? G by K is isomorphic to G upon H upon K by H. So we have to prove this kernel of F is exactly equal to, now to prove kernel of F is exactly equal to H by K. So let us prove this, that kernel of H is equal to K upon H. To prove kernel of F is equal to K by H, so let us take some element Hx belongs to K by H. ठीक है? For where x belongs to k, तो आपके पास hx कोई element लिया k by h में से, so आपके पास this implies x belongs to k, or you can write this as kx is equal to k. What is kx? हमारे पास जो map था वो क्या था? F of ha कहाँ map हो रहा था? K a पे. ठीक है? So kx is equal to k. तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया? This is equal to kx means f of hx. So this implies f of hx
इज इक्वल टू के, ठीक है। और हमने मैप कैसे डिफाइन किया था, एफ ऑफ जी बाय एच टू जी बाय के। अब यहां पे आपके पास एफ ऑफ एच एक्स किसके इक्वल आ जाता है, के के। व्हाट इज के, के इज आइडेंटिटी ऑफ जी बाय एच, के इज आइडेंटिटी ऑफ जी बाय के, इस क्वेश्चन ग्रुप की आइडेंटिटी है। तो एफ एच एक्स, एच एक्स मीन्स जी बाय एच के एलिमेंट को, ठीक है, जी बाय एच के एलिमेंट को कहां पे मैप कर रहा है, आइडेंटिटी ऑफ जी बाय के पे। अगर ये एच एक्स, अगर ये एच जी बाय एच के एलिमेंट को आइडेंटिटी ऑफ जी बाय के पे मैप कर रहा है, तो दिस इंप्लाइज ये जो आपके पास एलिमेंट है ये कहां पे चला जाएगा, इसके कर्नल में। सो एच एक्स बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ एफ, सो दिस इंप्लाइज के बाय एच इज कंटेन्ड इन कर्नल ऑफ एफ, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में हम करेंगे, लेट अस टेक सम एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ एफ, ठीक है। अगर आपके पास एक्स कर्नल ऑफ एफ में से है, सॉरी एच एक्स ले लो, एच एक्स कर्नल ऑफ एफ में, अब हम एच एक्स क्यों लेंगे, क्योंकि कर्नल ऑफ एफ इसका सब ग्रुप होता है, तो इसके एलिमेंट्स ही इसमें जाएंगे। सो इसके एलिमेंट किस तरह के होंगे, एच एक्स टाइप के। सो लेट अस टेक एच एक्स बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ एफ, तो अगर एच एक्स कर्नल ऑफ एफ में है तो एफ इस एलिमेंट को कहां पे मैप करेगा, आइडेंटिटी ऑफ जी बाय के में। सो एफ ऑफ एच एक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ जी बाय के, और वो किसके इक्वल है, विच इज इक्वल टू के। सो आपके पास एफ ऑफ एच एक्स किसके इक्वल आ गया, के के। व्हाट इज एफ ऑफ एच एक्स, एफ ऑफ एच एक्स इज के एक्स, सो इट इज के एक्स इज इक्वल टू के, दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू के। अगर आपके पास एक्स के में से है तो दिस इंप्लाइज आप, दिस इंप्लाइज एच एक्स बिलोंग्स टू के अपॉन एच। अगर एक्स के में चला गया तो हम कोसेट बना सकते हैं इसका के बाय एच का, विच इज एच एक्स, सो एच एक्स बिलोंग्स टू के अपॉन एच। एच एक्स किस में था, कर्नल ऑफ एफ में, एच एक्स किस में चला गया, के बाय एच में, सो दिस इंप्लाइज के बाय एच इज कंटेन्ड इन कर्नल ऑफ एफ, सॉरी कर्नल ऑफ एफ इज कंटेन्ड, दिस इंप्लाइज कर्नल ऑफ एफ इज कंटेन्ड इन के अपॉन एच, दिस इज नंबर टू, क्योंकि एच एक्स आपने कर्नल ऑफ एफ में से लिया था और वो कहां चला गया, के एच में से, तो इसके जितने भी एलिमेंट है वो कहां चले जाएंगे, के अपॉन एच में। सो फ्रॉम वन के एच इज इन कर्नल ऑफ एफ एंड कर्नल ऑफ एफ इज कंटेन्ड इन के अपॉन एच, सो फ्रॉम वन एंड टू कर्नल ऑफ एफ इज एग्जैक्टली इक्वल टू के बाय एच, यही आपने प्रूफ करना था। सो आपके पास क्या आ गया, जी अपॉन एच अपॉन के बाय एच इज आइसोमॉर्फिक टू जी बाय के, सो दिस कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ थर्ड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। सो स्टूडेंट्स, थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो।